अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी वर्ड या किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू पोजीशन के साथ कैसे चेंज करती है। वो डिसाइड करेगा कि वो वर्ड या वो चीज किसके साथ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज करेगी। इसको हम एक समझेंगे एग्जांपल के साथ, पॉइंट। ये पॉइंट अलग अलग पोजीशन के साथ अलग अलग वैल्यू देता है। लेकिन कंसिडर कि एग्जांपल हम लेते हैं, लिखे हैं आई एम अ बॉय। इंग्लिश का एग्जांपल है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, हम लिखते हैं 3.4, या लिख सकते हैं 5.34 डॉट, या एक सर्कल है इसके साथ हम डॉट लेते हैं। हिंदी की एग्जांपल लेते हैं अंगूर। ये अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट की वैल्यू अलग अलग है। अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में तो यही पॉइंट फुल स्टॉप का चिन्ह दिया गया है। अगर हम बात करते हैं मैथ में तो यही पॉइंट यहाँ पे डेसिमल का काम करेगा। अगर हम बात करते हैं दूसरे मैथ के टर्म में तो यही पॉइंट यहाँ पे रेकनिंग का काम करेगा। अगर हम सर्कल ज्योमेट्री में बात करते हैं तो यही पॉइंट यहाँ पे पॉइंट की बात करेगा, डॉट की बात करेगा। अगर हिंदी में बात करते हैं तो अनुस्वार की बात करेगा। यानी कि अलग अलग पोजीशन के साथ इस पॉइंट की वैल्यू चेंज कर देगा। यही हाल हमारे लाइफ की भी है कि हम किसके साथ है ना, किसके पोजीशन के साथ है, उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू चेंज करेगी। आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि कभी कभी लोग फोटो क्लिक करता है तो कभी साइकिल के साथ नहीं करेगा, बगल में कार रख के उसके साथ क्लिक करेगा, या अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए, अपने पोजीशन को बढ़ाने के लिए, है ना। तो आपकी वैल्यू कब डिसाइड होगी कि आप किसके साथ, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज कर दी। ओके, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी। थैंक यू।